अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन। तो गाइस, हसीना वाजिद के इस रद्द अमल की वजह से कराची में, पाकिस्तान कराची में बांग्लादेशी जो लोग बैठे हैं उनका क्या रद्द अमल है, चलें पहले देखते हैं, फिर इस पर करते हैं बात। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरे और भारत नवाज साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद के इस्तीफे पर कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी सौ क्वार्टर में रहने वाले बंगालियों का क्या कहना है, ये बता रहे हैं जीशान मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी सो क्वार्टर में। यहां की आबादी बंगाली जुबान बोलने वालों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तानी शहरी बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। हसीना वाजिद हुकूमत थे, वो तो आपको पता हमेशा से जो ना इंडिया के साथ उनका तावर रहा। वहाँ पर जो जुल्म और ज्यादतियाँ अवाम के साथ, जो वहाँ के तलबा तालिबात के साथ की गई है, नहीं होना चाहिए। किसी भी मुल्क में ऐसे ज्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन हो जाएगा तो नई गवर्नमेंट आएगा तो मैशियत इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, क्योंकि असल मुल्क का मालिक अवाम होता है, अवाम से बढ़कर कोई नहीं होता। वहाँ जितने भी जुल्म हो वो गलत है, उनको उनके हकूक मिल गए। तो अब जो नया हुकूमत आएंगे उससे यही पूरे पाकिस्तानी अवाम, पूरी दुनिया के अवाम यही तवक्कु रखते हैं कि उनके साथ ज्यारती ना हो, उनके साथ बराबर के सलूक रखे। इब्राहिम हैदरी में रहने वाले बेशतर खानदान सकूत ढाका के बाद हिजरत करके पाकिस्तान आए। लोगों का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में बनने वाली नई हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शहाबुद्दीन की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात। ये है कि जो बांग्लादेशी बंगाली लोग पाकिस्तान में रहते हैं ना, उन्होंने अपना रद्द अमल दिया, तो वो जाहिर सी बात है ना। ये तो वो है जो बंगाली है, प्योर बंगाली है, पाकिस्तान में रहते हैं, ये सारे कराची में। हाँ, कराची में बंगाली सारा ही है, बट उनका भी रद्द अमल यही है कि जो हसीना वाजिद ने तशद्दुद किया है ना स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है, ये सरासर गलत किया है। हम यही कह रहे हैं कि जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो अवाम की उम्मीद पर पुरजोश हो। हाँ, ये है कि अब नेक्स्ट ये है कि बांग्लादेश में जो भी नया हेड बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बने, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके अंदर आजादी लेने का जज्बा है। हाँ, जारी तो पता है कि हमें कैसे आजादी लेनी है। यार वो अपने राइट्स के लिए खड़े हुए थे। हाँ। वो लड़े भी अपने राइट्स के लिए, वो कुछ जो शहीद हुए हैं मरे हैं वो भी अपने राइट्स के लिए मरे हैं, ठीक है। बट ये है कि एक दफा उन्होंने जो मौत मरे हैं आजादी लेने के लिए मरे हैं, बिल्कुल उनको ये तो होगा ना कि यार एक दफा जब निकले है ना, ठीक है, तो पता चला है कि बांग्लादेश में समुद्र निकला है। अभी के यहाँ पर इंडिया को भी, यहाँ पर इंडिया को भी चाहिए था कि शेख हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले कर दे, उसके साथ तो उसके अच्छे तल्लुकात थे। जब आर्मी ने स्ट्रेट ही कह दिया था ना हसीना वाजिद को कि तुम्हारे पास आधा घंटा के 45 मिनट है, 45 मिनट इस्तीफा दे के चले जाओ, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है जो उसको करीब पड़ता था उधर ही जाना था। पाकिस्तान के साथ ये था, इसने पहले दो मुल्कों पे शेख हसीना वाजिद ने कॉन्टेक्ट किया कि मैं उधर आना चाहती हूँ, मैं पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड में इन मुल्कों में कहा था, उन्होंने मना कर दिया था उनका हमारे मुल्क में नहीं। फिर इंडिया, फिर इसने इंडिया फोन किया, इंडिया के साथ हुई है। वैसे भी ना अपना मोदी के साथ ना उसके साथ अच्छे ताल्लुकात थे उसके, बट ये है कि चलो ये है कि मैं कहता हूँ जैसे बांग्लादेश ने हिम्मत दिखाई ना बांग्लादेश की आवाम में, अभी तक ऐसा जज्बा नहीं किसी। लेकिन कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे, वो कह रहे थे कि शेख हसीना की बेटी जो है ना वो इंडिया में रहती है। हाँ, तो वो उधर ही रहती है, फिर इसी वजह से वो अपना उधर मूव कर गई है। बट ये है कि शेख हसीना की बेटी भी और उसकी बहन भी इंडिया में, उसकी बहन भी इंडिया में रहती है शेख हसीना की। हाँ, बट ये है कि यार अपना जो भी नेक्स्ट आए ना बांग्लादेश, तो कहते ये जो मोहम्मद यूनुस आया है ये तो अच्छा है। हाँ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये है कि कहते हैं ये बहुत नाइस पर्सन है। हाँ, इसको अवार्ड भी कोई मिला हुआ है, नोबल प्राइज मिला है, ठीक है। बट ये है कि हमारी दुआ है कि बांग्लादेश अपना सेफ हाथों में और अपना मुल्क का जो भी है पांव पे फिर दोबारा खड़ा हो, अवाम का ख्याल रखो। अवाम जो 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 उन्होंने खुद तोड़ बम की है वो खुद उसको सही कर रहे हैं, बांग्लादेश को खूबसूरत बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, पुलिस की हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रैफिक पे खड़े हुए हैं। बट ये है कि ज्यादा थोड़ी सी वायलेंस हो गई थी, ठीक है, बट ये है कि जब किसी ने आजादी लेनी है तो मैं कहता हूँ अभी कुछ। हाँ, फिर तारी से बात है, फिर उनको फ्री एंड था, ठीक है, बट ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, इकोनॉमी गिर गई है, नुकसान भी किया तो खुद वो उसको पूरा भी खुद कर रहे हैं। हाँ,
बड़ी ये ना ये होती है एक कौम में अपना गैरतमंद लोग जो है ना जो चीज वो चाहते थे वो उनको मिल गई। हाँ ये है कि उन्होंने सिस्टम सब खत्म हो गया, वाजिद का तख्ता जो है वो पलटना था वो पलट दिया है। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि हम शेख हसीना वाजिद को पीएम से, वो राइट से उन्होंने कहा था ना ये हमारी डिमांड है। हाँ वो अपनी मांगे उन्होंने रखी थी कि ये हमारी मांगे हमारी मांगे शेख हसीना वाजिद उनके पूरा कर देती थी। शेख हसीना वाजिद का जो माइंड था वो अवाम को अवाम के साथ लड़ा रही थी। हाँ ये चीज गलत थी, ये चीज बिल्कुल जी। गाइस आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।